देख रहे हैं आप मेरी की को, है ना ये कितनी सुंदर। देखिए इसका मेकअप तो बना रहा है इसे और भी सुंदर। क्या कहा की? तुम गई थी विद्रोही के सेट पर, जहाँ तुम मिली सुलगना से, जिसने दिखाई हमें अपनी मेकअप स्टोरी और दिखाया कैसे वो बनती हैं सुलगना से राधामणि। आइए देखते हैं इनका ये ट्रांसफॉर्मेशन। चलो राधामणि का श्रृंगार, सुलगना का मेकओवर। स्टार प्लस के सीरियल विद्रोही में राधामणि का किरदार निभाने वाली सुलगना पनिग्राही आज सास बहू और बेटियां संग करेंगी मेकअप वाला डे आउट। राधामणि देंगी मेकअप की कुछ खास टिप्स, देखेंगे कैसे वो सुलगना से राधामणि बनती है, कैसे होता है सुलगना का मेकओवर और मेकअप में इन्हें लगता है कितना समय। तो चलिए सीधा चलते हैं सुलगना के मेकअप रूम में और शुरुआत करते हैं इनके मेकअप डे आउट की। हाय, मैं हूँ सुलगना और अब मैं सुलगना से राधामणि बनने जा रही हूँ और आप इस जर्नी को मेरे साथ देख सकते हैं जब मैं रेडी होंगी मेकअप करके, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। और साड़ी तो मैंने पहन ली है राधामणि की, तो ऑलरेडी फीलिंग लाइक राधामणि, बट अभी मेकअप के बाद पूरी राधामणि बन जाऊँगी। मुझे अपना मेकअप करने में 20 मिनट लगता है, इन्हें मेरा लाइनर लगाने में 15 मिनट लगता है। तो हाँ, तो आई थिंक हाँ 40 मिनट्स। वैसे आपको बता दे कि बहुत समय बाद सुलगना ने टीवी पर वापसी की है। इससे पहले आप सुलगना को सीरियल अंबर धरा, दो सहेलियां और बिदाई जैसे शोज में देख चुके हैं और इन्होंने कुछ फिल्में भी की है जैसे कि मर्डर 2 और रेड, जिसमें देखने को मिला इनका एक्टिंग टैलेंट। और अब राधामणि बन ये अपने दर्शकों को कर रही हैं एंटरटेन। राधामणि का लुक पाने के लिए मेकअप की शुरुआत होती है आंखों को सवारने से। सुलगना अपना मेकअप खुद ही करती है और आई मेकअप में शुरुआत होती है आई शेडो लगाने से। वैसे हो भी क्यों ना, क्योंकि आंखें ही हैं जो सारी चीजें बयां कर देती है और जगबंधु भी राधामणि की आंखों के ही दीवाने हैं। आंखों के मेकअप के बाद मेकअप का दूसरा चरण होता है बेस लगाना, और सुलगना लिक्विड बेस यूज करती है जिससे मेकअप की फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है और चेहरा ग्लो करने लगता है। मेकअप करते करते राधामणि यानी कि सुलगना ने हमें दी कुछ मेकअप टिप्स भी और मेकअप के दौरान की ढेर सारी बातें। अभी हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आई लाइक टू डू माय आईज फर्स्ट एंड फिर मैं अपना बाकी फेस मेकअप करती हूँ। और इसके बाद हम ब्लश करेंगे, थोड़ा सा कॉन्टोर करेंगे। And we are done. मैं रियल लाइफ में तो बिल्कुल मेकअप नहीं करती हूँ, क्योंकि हम लोग को शूटिंग पे इतना ज़्यादा मेकअप करना पड़ता है कि हम पक जाते हैं मेकअप से बेसिकली। बट लेटली आई रियली स्टार्टेड एन्जॉइंग द प्रोसेस ऑफ मेकअप। मुझे मेकअप करना नहीं आता था, पर मैंने रियलाइज़ किया कि एज एन एक्टर हमको आना चाहिए, बिकॉज यू नो
we know our face the best, so we should learn from great makeup artists जिनके साथ हमें काम करने का मौका मिलता है. So I've tried to do that along the way, कि जो अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे मैं टिप्स लेती रहती हूँ और इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलती है, फिर वो मैं इनकॉर्पोरेट करती हूँ अपने मेकअप में. वन थिंग दैट आई लव टू डू, प्रो टिप, मैं जब अपने लैशेस कर्ल करती हूँ, ऐसे अभी तो मैंने फॉल्सीज मतलब फेक लैशेस पहने हुए हैं, बट जो मेरे नेचुरल लैशेज है जब मैं कर्ल करती हूँ तो मैं एक बार पानी से उसको साफ कर लेती हूँ, क्योंकि आई शेडो लैशेज में ना चिपका रहता है. सो व्हेन यू पुट मस्कारा इट डजंट लुक नाइस, सो आई लाइक टू क्लीन माई लैशेज एंड देन पुट मस्कारा. आई लव डूइंग आई शेडो एक्चुअली, मुझे एज एन एक्टर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आईज ही है, तो आईज़ को अच्छा करना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड आई लव ब्लश ऑल्सो, ब्लश भी अच्छा लगता है, इट जस्ट बिकॉज आई एम वेरी पेल स्किन तो आई नीड सम कलर ऑन माई फेस, तो आई लाइक डूइंग ब्लश. एंड लिपस्टिक्स मुझे पसंद है, बट राधामणि का जो लुक है उसमें लिपस्टिक है नहीं, ये कुछ शादी वादी का मतलब कुछ पूजा का सीक्वेंस होता तो हम फिर भी थोड़ी लिबर्टी लेके लिपस्टिक लगा लेते हैं, बट वैसे है नहीं लिपस्टिक. अब बारी है मेकअप के सबसे अहम पार्ट की, जो कि है चेहरे की कटिंग्स. और चेहरे की कटिंग के लिए डार्क बेस यूज किया जाता है, जिससे चेहरे के इम्पोर्टेंट भाग उभर कर आते हैं. द कैरेक्टर तो हमेशा कहती है कि श्रृंगार वो सिर्फ अपने पति के लिए करती हैं, क्योंकि उन्हें जगबंधु से इतना ज़्यादा प्यार है कि वो अगर श्रृंगार कर रही है तो उन्हीं के लिए करती है. एंड अगर आप मुझे पूछेंगे सुलगना तो मुझे बहुत बुरी लगता है, मुझे बस लगता है कि ऐसा हो कि बस शूटिंग सेट पे आओ और सीधा जाओ और डायलॉग्स बोलो खुशी खुशी, बट ऑफकोर्स वी हैव टू बी ऑन स्क्रीन तो मेकअप करना पड़ता है. बट लाइक आई सेड, अभी लेटली मुझे मज़ा आने लगा है मेकअप करने में, क्योंकि मैं खुद ही करती हूँ तो मज़ा आता है, इट्स अ इंटरेस्टिंग प्रोसेस. राधामणि एक ऐसा कैरेक्टर है जो कोई भी चीज़ ना हाफ हार्टेडली नहीं करती, एवरीथिंग शी डज इज 100%, वेयर आई एम ऑल्सो यू नो इन द सेंस कि मैं कुछ करती हूँ तो मुझे भी वो 100% करने का रिलेट करती है, हाँ उस जगह पे हाँ, बट मैं उतनी इनोसेंट नहीं हूँ, आई डोंट थिंक कोई भी उतना इनोसेंट है. चेहरे की कटिंग के बाद अब बारी गालों को गुलाबी बनाने की. इसके लिए सुलगना ब्लशर नहीं बल्कि टिंट यूज करती है, जो गालों को नेचुरली गुलाबी बनाता है. राधामणि के लुक में सबसे खास है राधामणि की बिंदिया, और इसके लिए ये यूज करती है टैटू वाली बिंदी. बारी फाइनल टचअप की, जिसमें वो हल्की सी लिपस्टिक लगाती हैं और मेकअप को सेट करने के लिए यूज करती हैं सेटिंग स्प्रे. भाई मेकअप शेकअप तो हो गया, अब बारी है गहने पहनने की. वैसे तो राधामणि का लुक एकदम सिंपल है, लेकिन खास मौकों पर राधामणि सजती धजती हैं और ढेर सारे गहने पहनती हैं. हमारी लाइन में ऐसे ही होता है कि दो पल की खुशियाँ मिलती है और फिर दुख वापस शुरू हो जाता है. अभी मैं इतना खुश हो रही थी कि आगे होगा ना ये छोड़ी हाँ, कि कम ज्वेलरी पहननी है, और फिर खबर आ गई कि नहीं लद दो सबको ज्वेलरी से तो अब वापस हम 4 किलो ज्वेलरी पहन के सेट पे जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत अमीर हैं बेसिकली. सिंस आज हमारे घर में पूजा है तो हम सबको श्रृंगार करके तैयार होना है, इसलिए आज थोड़ी ज्वेलरी हैवी है, वरना यूजुअली राधामणि लाइट ज्वेलरी पहनती है, बहुत ही क्लासी लुक है. एंड आज क्योंकि पूजा का दिन है तो थोड़ा हैवी है. एंड मैं बहुत खुश हूँ अपनी साड़ी से, बहुत ही सुंदर कलर है, बहुत यूनिक कलर है, यूजुअली ऐसे कलर्स नहीं देखने को मिलते हैं, तो बहुत क्लासी जोन में है राधामणि. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ फॉर द सीन. Thank you.
मैंने मोस्टली गुड गर्ल्स ही प्ले किया है. मैंने बस आई थिंक बिदाई में ग्रे शेड्स का रोल किया था. उसके बिदाई के बाद मैंने फिर टेलीविजन किया नहीं बहुत सालों तक. अभी वापस किया है क्योंकि ये जो शो है ये ओडिशा में बेस्ड है. तो जब मुझे इसका कॉल आया तो मैंने बोला कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ओडिशा पे एक शो बन रहा है, तो इसलिए मेरा मन किया कि ये शो करना चाहिए. एंड मोस्टली मैंने ऐसे गुड गर्ल वाले कैरेक्टर्स ही किए हैं. एंड सब कहते हैं कि बड़े बोरिंग होते हैं ऐसे गुड गर्ल कैरेक्टर्स, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है. मुझे लगता है कि इट्स ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जब कैरेक्टर्स का एक मॉरल कंपस होता है कि ये सही है ये गलत है. तो देखा आपने कैसे सुलगना बनती है राधा मणि, जिसके जग बंधु है कायल. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.